हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अब आगे आने लगे हैं। सोलन में कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 3 साल 8 महीने तक अर्की विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करवाया है, जिसकी बदौलत अर्की में कांग्रेस का आना तय है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अर्की के विधायक थे, तब तक उन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र में जितना काम किया है उतना कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अर्की के विधायक रहते अर्की विधानसभा क्षेत्र में 2,63,36,91,897 रूपये के विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अर्की का दौरा करके अर्की की जनता के सामने 8 घोषणाएं करके गए थे, लेकिन उनके दौरे के बाद आज तक 3 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ विकास मंडी तक ही सीमित होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अर्की में काफी मजबूत स्थिति में है और अर्की की सीट जीतकर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो अर्की विधानसभा क्षेत्र है, ये हमारे स्वर्गीय जो 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी वहाँ से विधायक रहे हैं, उनके निधन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्त हुई है आपका जो सीट, और प्रेजेंटली जो टिकट की दावेदारी की बात है, सबसे जो वहाँ पर जो हक जिसको हम बोल सकते हैं वो उनके परिवार का है, चाहे वो रानी प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे वो टीका विक्रमादित्य सिंह जी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट उनके बाद जो दावेदारी वहाँ पर मैं प्रस्तुत करूँगा, उसका कारण कि वर्ष 2017 में जब राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ चुनाव लड़ा था, उस वक्त उनके साथ जो पूरा चुनाव का जो प्रभार था वो मेरे पास था, और बाद में जो 3 वर्ष 8 महीने तक जो भी डेवलपमेंट वर्क और जो भी अन्य उनके कार्य उनके माध्यम से हुए उनमें मैं परोक्ष रूप से उनके साथ रहा। और हमने जो अपना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से संगठित रखा है और किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। उसके बाद उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो होगा वो सर्वमान्य होगा, और माननीय जो हमारे प्रभारी है कि राजीव शुक्ला जी, हमारे सह प्रभारी संजय दत्त जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी, हमारे सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, और जो हमारा होली लॉज का जो हमारा परिवार है, ये सभी लोग जो डिसाइड करेंगे जिस भी कैंडिडेट को ये इस मैदान में उतारेंगे, हम सब उसके साथ चलेंगे, और निश्चित रूप से हमारी जो अर्की विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ये मैं आपसे आपके माध्यम से अर्की जनता से वादा करता हूँ। 2,63,91,76,000 रुपये का जो हमारा टोटल ओनली सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष 8 महीने में अर्की विधानसभा क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह के माध्यम से ग्राउंड पे कार्य हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पहले भी राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट किया था, और इसीलिए वोट किया था क्योंकि वर्ष 2012 से 17 तक अथाह विकास उन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र में किया था। हालांकि वो वहाँ से विधायक नहीं थे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कभी भी किसी भी 68 विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रवाद नहीं किया, जिसमें से अर्की के लोगों को भी ये मालूम था कि यदि ये जो हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री है अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो हमारा बहुत सारा विकास होगा, और ये हुआ भी है। प्रेजेंटली जो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि जो हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल कर देंगे।